यूनिवर्स का जो मेन बिग बैड विलन है इसका थानोस, क्या आपने है सरकटा अक्षय कुमार? नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है कुछ और भी हो, मतलब ये है कि अभी तो हमको दिख रहा है, हो सकता है वो भी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि देख विलेन होना इम्पोर्टेंट है वो मुझे भेड़िया में दिखा। पहले मेरे लिए ये था कि नेचर इज विलेन, मतलब मेरे अंदर ही विलेन है, कि आप थोड़ा ज्ञान ज्यादा जब देने लगते हो ना कि मुझे विलेन नहीं चाहिए, आप खुद ही विलेन हो एक रूप में, आप अपने को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगा यार ये थोड़ा ज्यादा है ज्ञान, नाउ देयर विल बी विलेन, कि एक विलेन है वर्सेस हीरो, ये होना है। अब कौन है वो विलेन, मेरे पास है 3-4 जो सब मिलके भी बन सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा लेट्स सी ना, मजा आएगा। टीम अप हो सकता है, विलेंस का टीम अप हो सकता है। मैं कंफ्यूज था कि मतलब इतने ऐसे मोरली करप्ट कैरेक्टर्स जो सरकटा जो भी आ रहे हैं अपना मुझे, उनको एक टीम बना के आपको प्रेजेंट करना ये और किससे बुरे इंसान से लड़ेंगे, ये कौन सा भूत होगा? बाकी जैसे जब टीम इकट्ठा हुई एंड में 3-2 के, तो आपने कुछ सोचा कि इन्हें भी एवेंजर्स या जस्टिस लीग की तरह कोई नाम दूं मैं? हो सकता है, एक नाम है मेरे दिमाग में जो कि फिल्म में बोला है हमने, स्त्री टू में बोला है, अगर तुम लोग वहां पे वो वर्ड बोला है मैंने, आई डोंट वांट टू से इट नाउ, तुम लोग अगर तुम लोग खोद खोद के निकाल देंगे, तो उसमें से ही किसी ने बोला है, वन ऑफ द कैरेक्टर ने बोला है वो नाम, तो नाम है। योर मिशन शुड यू चूज टू एक्सेप्ट। पर वो अक्षय कुमार का कैमियो हाउ डिड इट हैपन, मतलब क्योंकि जब हम अक्षय कुमार को सोचते हैं तो मतलब वो एकदम कहीं पे भी ऐसे आप सोचते नहीं हो कि मूवी में हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उसके जब रूमर्स आने लगे थे तो हम सोच रहे थे कि सेम डे उनकी एक मूवी भी आ रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब एक मूवी में कैमियो और दूसरे में नहीं होगा, नहीं होगा, एंड देन ही अपीयर्स और लोग चिल्ला रहे हैं। मैं मिस कर रहा था एक क्लासिक अक्षय कुमार की, कि हमारी कब्र पे मूत के चले जाएंगे। अरे वो एक्चुअली शौचालय वाले जोक्स कितने मेटा जोक्स थे भाई। हां वो सब मेटा जोक्स थे कि वो कुर्सी हटाओ यहाँ बैठेगा वो यहाँ पे। अरे वो तो भाई वो मैं कितने टाइम से उस अक्षय कुमार को मिस कर रहा था कि यार आगे क्लासिक। मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ उनके साथ, स्काई फोर्स, बहुत ही कमाल की फिल्म है और तुम लोग को मिलेगी देखने को। तो उसके दौरान प्रोड्यूस करते क्योंकि मुझे था कि यार मेरी यूनिवर्स में मुझे पसंद है अपने लोग, सडनली ना वो प्रियदर्शन की बात करने लगे कि उनका फेवरेट डायरेक्टर प्रियदर्शन है, वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा, मैं भी अच्छी करता हूँ, मन में बोला तो मन में बोला, बट मैंने डायरेक्टली ऐसे बोला कि सर मेरी एक फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर करोगे क्या? आया इसलिए कि मुझे भी दिखाना था कि मैं भी आता है कॉमेडी। हाँ तो उन्होंने बोला हाँ हाँ करूंगा बेटा क्या है करके, देन उनको मैंने पूरा सीन, पहले उन्होंने बोला स्त्री कहानी बता क्या था, फिर मैंने बोला सर आपको छू छोड़ दो आपको सीन पढ़ के सुनाता हूँ डायलॉग। तो मोबाइल पे मैंने उनको पढ़ के सुना, वो हंसने लगे। हाँ फिर वो 4 दिन बाद भूल गया क्या डायलॉग से पढ़ के बना। फिर उनका मैसेज आया कि मुझे आईपैड पे बड़ा करके भेज, बड़ा फॉन्ट करके भेज, तो मैंने उनको वो भेजा। तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ बेटा करता हूँ, कब करना है करके। मैंने कहा मैं आपके सिर्फ 6 घंटे लूंगा, ज्यादा लूंगा नहीं। उन्होंने बोला मैं संडे को काम नहीं करता हूँ, बट तेरे लिए मैं संडे को काम करूंगा इतना, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, बीच में एक संडे मैं तुझको दूंगा जिस दिन मैं काम नहीं करता हूँ, 6 घंटे में खत्म कर दिया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अलग तरीके से देख रहे हो, आप कर रहे हो और उनको कॉमेडी में लेके आ रहे हो, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमने भी जैसे तुम लोग ने देखा है, मैं भी उनका फैन ही रहा हूँ, कि मतलब चाहे बहन डर गई से लेके उस चीज को, तो आज के टाइम पे मीम में कर करके वो एक लेजेंडरी स्टेटस दिला देते हैं, मिस करते हैं लोग, मिस करते हैं। और क्या होता है देखो एज के हिसाब से कभी कभी ना कि वो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर अभी वो करेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको कैसे वो दिमाग में लगाना है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि वो वापस लेके आए। जैसे गोविंदा सा कमाल है, जिंदगी भर गोविंदा देखा है हमने, बट अभी वो करते हुए शायद नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि एज के हिसाब से भी आपका कैरेक्टर आपको चेंज करना पड़ता है। तो बट मेरे लिए था यार ये ना मुझे मजा दिलाना है लोगों को, क्या करना है उनको। मैं बस मैंने बोला सर आप ये सीन है ऐसा है, मैं ऑफ उसमें नहीं जाऊंगा, कि मतलब एकदम ही अलग नहीं करूंगा, कि कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट वाली का फिल्म है, आप कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट उसी दायरे में रह के आप खेलो। तो इधर मैंने बोला कि यहाँ बैठाएंगे उसको, अपना बगल में स्टूल रखा था, तो ही इम्प्रोवाइज्ड, वो आया इधर आओ मेरे पास बैठो, ये हटा दिया बोला यहाँ बैठो। वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था, बैठने के बाद ही किस्ड। हाँ हाँ तो ही वाज लाइक, और ये एकदम सामने आ गया, मुझे लगा यार ये कहीं गलत ना पड़ जाए औरतों से मुझे गालियां ना पड़े, बट मुझे अपना अमर याद आ गया पुराना वाला, कि यार मैं जब मजे करता था जब ये ऐसा करता था, चलेगा चलो ट्राई करके देखते हैं।
एंड मैंने एक बार बोला सर स्टूल में बिठाए क्या, अरे नहीं नहीं इधर अच्छा है ना, क्या इसमें प्रॉब्लम है, हमको कोई प्रॉब्लम. मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं इनके कन्विक्शन से देखते हैं. कभी कभी क्या होता है एक्टर का भी एक कन्विक्शन होता है, उसको ओवरबोर्ड नहीं जाने देना है. कभी भी कुछ भी करता है कोई एक्टर तो आपको वहां पे कंट्रोल करना है, बट आपको पता होना चाहिए किस लेवल तक मजा आएगा. सो फिलहाल वो सेट सब लोग हंस रहे हैं, अक्षय सर दो दो तीन तीन टेक रीटेक दे रहे हैं, नहीं मैं ऐसा करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ. मैंने कहा ये दिख रहा है मुझे प्रियदर्शन वाला वो. अब मेरा वो था कि जब मैं तुझे सच बताऊं जब वो आए नीचे से ऐसा करते हुए उसका स्लो मोशन, मैं वो स्लो मोशन इतना जल्दी में शूट किया था कि वो स्लो मोशन करना भूल गया था 48 फ्रेम. मैंने 24 में शूट किया. मैंने बोला ये गलती हो गई मेरे से, क्यों क्यों नहीं किया मुझे धीरे धीरे. मैंने कहा जब आप नॉर्मल शूट करते हो आप 24 को 48 करते हो ना जिटर आता है. मैंने कहा भाड़ में जाए जिटर आने दे चलेगा मुझे, वो स्लो मोशन ही कर दे एडिट पे और जग 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 अभी तुम जब देखोगे देखना थोड़ा ऐसे हिलता है. और मैंने कहा इस पे अगर ताली बज गई इस पे लोग ने रिएक्ट किया तो मजा आ जाएगा मुझे, सर बोलेंगे कि हाँ तू भी प्रियदर्शन से थोड़ा उन्नीस है बट ठीक है. तो मैंने कहा वो मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा. तो पता नहीं प्रियदर्शन तो अलग ही स्टेटस बट अक्षय कुमार के इनको लेके थ्योरी है कि एंड में जो लोटा आता है तो लोटा फेंका किसने बताओ. कुछ लोगों ने बोला है कि वो मुंजिया था, मुंजिया लोटा ला के देता है. और मेरा ये है ना कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर मूवी पागल नहीं. अच्छा हाँ मैं ये मानता हूँ क्योंकि वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल भी नजर आता है, वो पन्ने फाड़ के रखा है फिर भेजा भी है फिर इस तरीके से कॉमेडी भी होती है फिर लगता है कि पागलों के साथ रहकर पागल भी हो गए क्या. तो ये फील होता है वो लूसिड होता है फिर वापस उनको जब इन्फॉर्मेशन देने की बात आती है तो ही इज कंप्लीटली फाइन. तो मुझे पर्सनली लगता है वो लोटा जो है ना ब्लड लाइन के कारण कुछ रिलेशन होगा उनका. मैं पर्सनली नहीं मानता कि मुंजा आके इनको लोटा दिया होगा. कैरेक्टर के जो थोड़े थोड़े नुआंसेस आपने डाले हुए हैं ना कि अब वो बोलता है ना कि वो हमारी हमारा गंदा खून है और फिर जब वो बोलता है बदजात औरत तो लगता है कि अरे हाँ खून में है इनके. खून में करेक्ट 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 पकड़ा है. इवन वो भी देखना सरकटा कैसे सीटी मार के बुलाता है लड़की को यू नो पहले और उठा के कैसे ले जाएगा जैसे दुर्योधन कंधे पे जैसे बदमाश ले जाते थे कंधे पे लेके जाऊंगा उठा के. वो सब चीजें हैं और उसकी सोच मारोगे तो बढ़ेगी, सोच नहीं मर सकती दो बनेंगे. वो सब छोटी छोटी चीजें जो आप ने जिंदगी में देखी हुई है बट आप उसको ना फ्रंट फुट पे नहीं बोलना चाहते. हाँ वो होता है ना कि आप पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हो लेकिन अंदर आपकी है इंजीनियरिंग. हाँ वो ही सटल तरीके से वो वहाँ पे है क्योंकि जब ज्यादा बोलोगे ना तुम लोग अभी बहुत है. हाँ वो आउट देयर फेस पे नहीं होना चाहिए आपको. स्त्री टू में किडनैपिंग वाला जो सीन है जिसमें वो चिट्ठी को उठा के लेके जाता है वो मुझे बहुत स्केरी लगा था, मेरी फट गई थी. मैं ये तो हर चीज से डरता मैं बताऊं, नॉर्मल चीज से भी डर जाता है. मैंने आई थिंक वो मूवी तीन बार देखी है. हाँ, हाँ, दो बार तीन बार देखी है. ठीक है तो एक बार जब मैं तीसरी बार डाउनलोड करके देखी है तो इसलिए याद नहीं है. तो एक बार जब मैं दोस्त को ले गया तो वो तो चिल्लाने लगा उस सीन के ऊपर. तो उससे मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे चल के कोई एक प्योर हॉरर देख बना सकता हूँ. हॉरर में क्या है देखो